जनवरी माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। जोधपुर 24 जनवरी, दिल्ली 25 व 26 जनवरी, चंडीगढ़ 27 जनवरी, मुंबई 28 जनवरी, बड़ौदा 29 जनवरी, इंदौर 30 जनवरी, दुबई 31 जनवरी। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क करें 09529020222। मेरे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही आदरणीय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, हम इस दौर में अभी चर्चा कर रहे हैं इन दिनों काल सर्प योग किस प्रकार से निर्मित होता है और उसका दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का काल सर्प योग है तो ये श्रृंखला आज की तारीख में आपके लिए राम बाण से कम नहीं है, क्योंकि न केवल हम उसके प्रभावों पर, उसके तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं एक बेहद ही सरल उपाय जो दाम्पत्य जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर लेकर के जाएगा। साथियों, आज हम जिस प्रकार के काल सर्प योग की चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं ये हैं कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी एक जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं जो कि हमें कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। इसके साथ ही ये श्रृंखला 12 एपिसोड्स की है, विभिन्न प्रकार के काल सर्प योगों, उनके उपायों पर चर्चा होगी। आज है उसका तीसरा भाग, वासुकी काल सर्प योग। आपको अपनी जन्म पत्रिका उठानी है और दृष्टिपात करना है कि क्या राहु आपके तृतीय भाव में विराजमान है, और इसी के साथ ही केतु आपके नवम भाव में यदि विराजमान है, और इसके साथ ही जितने जो अन्य 7 ग्रह हैं वो सभी यदि यहाँ से यहाँ के बीच में है, तब निश्चित रूप से आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग, और वो भी वासुकी काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। किस प्रकार से ये दाम्पत्य जीवन में देता है, दुखों का एक अंबार, उसका फैसला आप करेंगे मेरे द्वारा बताए गए इस विवेचन के बाद में। साथियों, यदि स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला काल सर्प योग दाम्पत्य जीवन में क्या क्या विशिष्टताएं, और वो भी नकारात्मक विशिष्टताएं लेकर के आता है। साथियों, उससे पहले मैं एक जातक जो कि मुझसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे सारे प्रयोग, सारे एपिसोड्स अनुभव सिद्ध होते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर बेस्ड होते हैं, इसलिए मैं इन उदाहरणों का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। उनका विवाह हुआ, वो पुरुष थे, उनका विवाह हुआ, विवाह घर वालों की रजामंदी के साथ में हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। कुंडली भी मिलाई गई थी, परंतु काल सर्प योग का उपाय समय रहते नहीं किया गया था। अचानक से उनको शादी के कुछ समय बाद में ये महसूस होने लगा कि पता नहीं क्यों मेरे स्वयं के जो परिवार वाले हैं, चाहे भाई बहन, मेरे घर के अपने, उनका विरोध शुरू हो गया है। जो बचपन से मेरा जहाँ से एक एक अंश केवल खुशी थी, जिस घर में एक एक ईंट, वहाँ की सांस सारी केवल खुशियों से और प्रेम उनके ऊपर बरसाया जाता था, वो ही लोग अचानक उनसे नफरत क्यों करने लगे। और उनको ऐसा लगा कि क्या पता मेरी जो धर्मपत्नी है, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। और झगड़ा जब करना शुरू किया तो मनमुटाव होना स्वाभाविक था। अब वो अधर झूल में लटकने लगे कि आखिरकार किसकी गलती है, मेरे घर वालों की या मेरी पत्नी की। और इसके साथ ही उनको उपाय भी कोई सूझ नहीं रहा था, तो वो गाहे बगाहे अपनी पत्नी को मनाने का भी कार्य करते थे, क्योंकि उनको अपना घर भी बचाना था। परंतु उनके साथ होता क्या था कि जैसे ही वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए कोई कार्य करते, उसका उल्टा प्रभाव पड़ता और भी लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस प्रकार वो इतने डिप्रेशन में, इतने निराशा में चले गए कि उनका व्यापार जो है उस पर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, और धीरे धीरे वो घाटे का सौदा उनके लिए साबित हुआ। इतनी घोर निराशा में उनको नास्तिकता ने अपनी ओर खींचा, उनको ईश्वर से, धर्म से विश्वास एक प्रकार से उठने लगा, और शादी जो है वो
कानूनी दाव पेचों में फंस गई। उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दहेज का वो कराया, और साथ में जो होता है परिवार वाले के दूसरे जो सदस्य हैं उनका भी उसमें नाम शामिल किया गया। एक अज्ञात भय उनके मन में मस्तिष्क में विराजमान हो गया, और ऐसे जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तब वो किसी एक नवीन साथी की तलाश में थे जो शायद उनके दुख को समझ सके। और कोई महिला उनसे उस समय टकराई, जिसको कि मैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही नाम दूंगा क्योंकि तलाक अभी तक उनका हुआ नहीं था। परंतु इस रिश्ते में भी उनको बहुत बड़ा धोखा मिला, और महिला उनसे कुछ संपत्ति धन जो है वो लूट करके या धोखा दे करके वो उनकी ज़िंदगी से चली गई। इन सब का असर ये हुआ कि उनको अपने परिवार में, समाज में, अपने शहर में अपमान का सामना करना पड़ा, और घर वालों ने, उनके पिताजी ने उनको पैतृक संपत्ति से भी बेदखल कर दिया। यदि इस प्रकार का काल सर्प योग है, वासु की काल सर्प योग, तो ये सारी विशेषताएं जो कि इस सच्ची घटना में निहित थी, इनमें से कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर देता है। परिवार से शादी के बाद में विरोध का सामना करना, जीवन साथी के साथ में मन मुटाव, और ऐसे कारणों पर मन मुटाव जिसका कोई बेस नहीं है। लड़ाई किसकी वजह से होती है, झगड़ा पति पत्नी करते हैं और नतीजा उसका कुछ भी निकलता नहीं है। कुछ भी यदि जीवन साथी के लिए अच्छा सोचने और करने जाएं तो उसका बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टा प्रभाव सामने आता है, और ऐसे में अपने व्यापार या नौकरी पर व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता और निराशा की गर्त में वो डूबता चला जाता है। कानूनी दाव पेचों में भी उसको फंसाया जा सकता है, और एक अज्ञात भय कि कल पता नहीं क्या होगा, कल ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार की मनःस्थिति देता है। और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी संभावना यहाँ पर होती है। भाग्य साथ नहीं दे पाता, केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, करने कुछ जाएंगे और नतीजा उसका उल्टा निकलेगा। अपमान दर अपमान के घूंट व्यक्ति को पीने पड़ते हैं, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती, और पैतृक संपत्ति से भी उसको कोई विशेष लाभ नहीं होता, और कई बार तो उसके हाथ लगती ही नहीं संपत्ति। यदि इस प्रकार की किसी भी स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो साथियों सच मानिए कि आपको उस स्थिति से अब नहीं जूझना है, क्योंकि उसका बेहद आसान उपाय मैं लेकर के आया हूं और उसको आपको तुरंत प्रभाव से शुरू करना है। सोमवार, शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको ये प्रारंभ करना है। एक बात और कि ऐसी स्थिति में जब भी राहु या केतु की दशा या अंतरदशा, सूर्य मंगल शनि की दशा या अंतरदशा होती है तब ये परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विकट हो जाती हैं। उपाय के रूप में आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू करना है। आपके आसपास जो भी मंदिर है शिव का, महादेव का, वहाँ पर जाना है प्रातःकाल, उनसे अपने मन का दुख हाथ जोड़कर निवेदित करना है। वहाँ से फिर बाहर निकल करके आपको 1.25 किलो गुड़ और एक तांबे का पात्र, तांबे का कोई भी पात्र हो सकता है, ये दोनों चीज़ें आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करनी है। इसके बाद अगले सोमवार से केवल आपको 1.25 किलो गुड़ जो है वो दान करना है, और ये आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि कुंडली में काल सर्प योग है। 7, 11 या 21 से यहाँ पर काम बनने वाला कतई नहीं है। 1.25 किलो गुड़ का दान आप कीजिए प्रत्येक सोमवार को। सिर्फ पहले दिन आपको 1.25 किलो गुड़ के साथ में तांबे का एक पात्र दान करना है। साथियों, महादेव शिव जो हैं वो आशुतोष हैं। कुछ ही सोमवारों में इस काल सर्प योग का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली से और आपकी जिंदगी से नदारद हो जाएगा। विश्वास नहीं करना है मेरे ऊपर, आपको प्रयोग करना है, और इस विश्वास पे खरे उतरकर खुद आप इस पर विश्वास करने को न केवल मजबूर होंगे बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक भी आप पहुँचाएंगे। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ज्योति वर्मा जी का, जो कि हमें मिला है नोएडा उत्तर प्रदेश से। आपने लिखा है कि आपका विवाह कब होगा,
पर घर वाले परेशान हैं और पिताजी का आपके पहले ही निधन हो चुका है, इसलिए परेशानी कुछ ज़्यादा है। ज्योति जी, परेशान होने की बिल्कुल भी आपके वजह नहीं है, क्योंकि शादी का एक योग अभी वर्तमान में चल रहा है। अगले वर्ष अगस्त 2019 तक बहुत अच्छा, संभावना बहुत अच्छी है कि आप किसी न किसी प्रकार के विवाह की तैयारी में जुट जाएं। एक सगाई या रोका जिसको कहते हैं, वो अगस्त से पहले होने की अच्छी संभावना है। आपकी तरफ से कोई कमी न रहे, ग्रहों की तरफ से कोई कमी न रहे, उसके लिए आप प्रत्येक शुक्रवार को सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त होने तक अखंड दीप जलाएं अपने पूजा स्थल पर, किसी भी दिए में, किसी भी प्रकार के तेल से। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाला लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकन है, जो घंटी का बटन है, उसे ज़रूर दबाइए। और ये श्रृंखला निरंतर चल रही है, खोज परख है, इसमें रिसर्च को लेकर के कुछ देरी हो सकती है, बेसब्री से आप इंतज़ार कीजिए। एक बहुत अच्छे एपिसोड के वादे के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।